एक ना मछली को पकड़ते हुए वो भी मेड़ के बगल में, यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत खतरनाक होती है यार ये। देखा क्या है ऐ सलाफ, भागा लीडर। एक तो अगर दोस्तों आज मारेंगे मछली, आप देखते हैं छोटी वाली मछली है कि बड़ी वाली मछली है। धान की खेती है और धान काटने का टाइम आ गया है, तो हमको जाना है आगे इधर, तो चलते हैं और देखते हैं कि भैया मछली है कैसा। देखा तुझे इसमें है कि ना मछली, पहले हुई है जरूर इसे। ए भैया ये में है मछली, देखा तुझे पहले। अब मछली मार रहे हैं, देखते हैं इसमें है कि नहीं इसमें, क्योंकि होगा जरूर ऐसे। भाग तो रही है इसमें, मिल गए। ए भैया अरे मर जा आई से यार, भाग दी हूँ ना। देखा क्या है ऐ सलाफ, भाग लीडर। मछली पकड़ना एक कला है भाई साहब, अगर आप लोग गांव से होंगे तो जरूर ऐसा मछली पकड़ते होंगे खेतों में। कि यार भागत ही सो एगो मिलबो गेल तो भाग गेल ना, का आई सो मिल गेल मिल गेल मिल गेल मिल गेल। बोले भैया द प्लास्टिक द प्लास्टिक प्लास्टिक, अरे प्लास्टिक वात ले ले हूं वो में मार लो जाना। ओ मां से बहुत मच्छी बने है प्लास्टिक भर लो जी, नहीं तो काम गड़बड़ा जी, भाग जी तो यही इसमें जा पड़ा ला तू अब धीरे से। अब ये देख लिया जान थोड़ा जो धान का जड़ी है ना बोलू भैया वही में आई कुल जौन धान का जड़ी है कुल जड़ जौन बोल जला पकड़ा इधर भी है इधर भी है। एक इसमें जाना तो भैया इसमें जाना तो जाओ इसमें पड़ल लो इसमें, गिराई मछली है। अरे ना नहीं ना उकुल भैया तो ना यहाँ से तेरे को मिलबो ना करी, हमको आदे नहीं है कि तुम लोग चीखे के ना दे ध्यान लिया लोग ना ही कैसे ज़्यादा सुने के चाहिए ना। बीन मार के खुश हो गए उसे ना करो बोले कहते बीन मार के खुश हो गए उसे मछली ना चार पाँच किलो मार मैं हम खा अभी हम मारे के मारे मछली चलो। पहली इतना दिन के बाद वो मछली आ जाना होगी ना, तो एक किलो हो गया तो लाई गया तू प्लास्टिक प्लास्टिक लाए, ये प्लास्टिक है प्लास्टिक में भरा लो घर में रखे नहीं घर में घर में रखा लेंगे और ही कहाँ लाए लाए प्लास्टिक डब्बा में एक किलो घर में रखे नहीं सुनते रुका तो लोग देव ना मछ रही है लिया तो लेकिन खाए के को ना दे खेत में मछली मारते हुए आप देख सकते हैं कि धान का सीजन है। देखा जा मछली अभी निकलेगा कितना, अगर तीन चार किलो लेके तो फायदे है, लेकिन अभी देखा जा कितना मिला था। देखते हैं धान के खेत में कितना मछली निकल जाता है, आप देख रहे हैं ना मछली को मारते हुए हम लोग। और यहाँ पर देखिए मछली को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बारिश जब हुआ था ना तो खेत पूरा भर गया था, तो खेत भरने की वजह से जो है
मछली जो है नदी से और नहर से जो है इधर आ चुकी हैं और खेतों में कहीं कहीं तो मतलब जो खाल टाइप है मतलब खड्डे टाइप है तो वहाँ पर मछली लगी, जिससे कि यहाँ पर पानी लग जाता है हमारे खेतों में, तो इसमें जो है मछली का संभावना बढ़ जाता है। नहर दूरी पर है लेकिन फिर भी जो है मछली मिल जाती है। और आप देख सकते हैं कि हम अपने खेत में मछली मार रहे हैं, वो भी बहुत दिनों के बाद की बात नहीं है, बहुत सालों के बाद। सही है, तो देखिए पूरा प्रोसेस। और यहाँ पर देखिए जो मेड़ होता है ना, मेड़ के पास पे भी मेड़ के बगल में जो होता है ना साइड में मछली रहती है, तो इसमें हम लोग मछली जो जितना निकल रहा है, जो जो मछली निकल रहा है, हालांकि गिरई मछली है और सिधरी भी है, और इसमें टेंगा मछला है प्लस सिंगी है, दोनों मछली जो है निकलती जा रही है। सिंगी तो बहुत खतरनाक होता है, हाथ पे लगने के बाद वो उसका जो काटा होता है ना लग जाता है तो बहुत दर्द करता है, और टेंगना हमारे इधर बोलते हैं वो भी बहुत खतरनाक होता है। तो इसमें हम भर रहे हैं साथ ही साथ, और गिरई है, टेंगना है, सिधरी है, दोनों मछली है, हम लोग निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि अगर वैसे भी सूख जाएगा तो मर जाएंगी मछली, तो इससे अच्छा कि मछली को अपने खेत में से निकाल लो और खाने के लिए यूज़ कर लें। और यहाँ पर देखिए धान को हटा हटा कर मछली को मारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, मछली को पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए धान का तो ना ही हो गया लेकिन बचा बचा कर काम किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कैसा लगा ये हमारा फिश कैचिंग ब्लॉग। ये देखिए इस साइड है, ये देखिए कैचिंग कर रहे हैं बढ़िया से भाई, फिश कैचिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए भैया, देखिए साइड साइड में पूरा मछली है यार, साइड साइड में मछली पूरा लगी हुई है सब। यहाँ पर देखिए कोई कोई तो अंदर तक भाग जा रही है, जब भाग जाएगी अंदर तो पकड़ा जाएगा नहीं। तो ये देखिए साइड साइड से पूरा मछली को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और भरने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर इसमें भर रहे हैं टेंगना मछली, टेंगना है, सिंगी है, दोनों है, वो दोनों मछली सेफ रहेंगी और इसमें दोनों कवर कर पाएंगे। इतना मछली मराल है, अभी देखा जा कौ किलो होता है, कितना होता है ये अभी मछली, गिरई मछली है पूरा, देखिए गिरई मछली खेत में मारे भैया, खेत में 3 किलो हो गए मछली, 5 रंग 3 किलो ना आई लगभग, ढाई तीन के आसपास, 2 किलो 2.5 के आसपास हुई है, 1 किलो 2 किलो कम से कम, 1 किलो मत बेची है, 3 किलो से बेची होगा। देखिए कुछ ना दसे हो, या कुछ उस करे ना बस, अरे कुछ नहीं, 20 किलो मछली ना भाई, इतना मछली मारे हैं भैया हम लोग, देखिए गिरई मछली है, दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये देख रहे हैं ना, ये सब A to Z गिरई मछली है। और इसमें टेंगना है, सिंगी है, दोनों मछली है इसके अंदर, और इसमें जो है गिरई है यहाँ पर, इसमें यानी 3 किस्म की मछलियाँ मारे हैं हम लोग, पकड़े हैं, कैचिंग की है, इसमें गिरई है, और डब्बे में जो है सिंगी है और टेंगना है, ये तो गिरई है, इसको हम पकड़ सकते हैं लेकिन टेंगना को और सिंगी को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो हाथ में लगता है तो मार देती हैं सब। ये भाग रही है, देखिए गिरई मछली भाग रही है यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए इसको पकड़ने का प्रयास, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, ये स्नेकेड टाइप करिए। और ये देखिए इसको पहले पानी को निकाल लेते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद डब्बे में पूरा पक देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इतना गिरई मछली है, ये पूरा सांप जैसा मछली है ना, जिसका जो ऊपर का जो हिस्सा रहता है ना, ऐसा लगता है ना कि सांप है, इसको स्कैनेट बोलते हैं मछली। और जो टेंगना है वो अलग होता है, उसको डब्बे में एक साथ है लेकिन वो अंदर है।